इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। पिताजी अब तो रहे नहीं, इतना सारा कर्ज है, अब कैसे क्या होगा भैया? चिंता मत करो छोटे, इस बार बिरजू बाबू के यहाँ से हम लोग 14 बीघा खेत कटाई पे लेंगे। वो तो ठीक है भैया, पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हम लोग बच्चन साहब के यहाँ से सूद पे ले लेंगे। जैसा आपको ठीक लगे भैया। बिरजू बाबू, आपका खेत हमें बटाई पे चाहिए। बटाई तो मिलेगी, लेकिन 60% हमें चाहिए उसमें, उसके बाद ही खेत मिलेगा।
अब क्या करे छोटे, जितना पूंजी लगाया उतना पैसा भी नहीं आ पाया, कर्ज कैसे चुका पाएंगे कुछ समझ में नहीं आता। जिंदगी से हार चुका हूँ, मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। आजादी का प्रकाश शहरों में फैला, गांव में अंधेरे की पुतना पैर पसारने लगी। संपन्नता की ज्योति में शहर चमकने लगा, गांव से शहरों की ओर लोग भागने लगे। किसान बेजान हो गए, स्वप्न चकनाचूर हो गए, फसल बेचकर भी कर्ज का चुकता नहीं हुआ। उस बोझ को माथे पर लिए सुनसान टूटी फूटी झोपड़ी में मौत को गले लगा लिया। सन्नाटे की चादर पर उसकी लाश पड़ी रही, उसका भाग्य खड़ा एक टक देखते रहा, महलों में दीप जलते रहे, प्रेमचंद का होरी जन्म लेते रहा, मरते रहा।